नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू द डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। दोस्तों, ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर हम ध्यान से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो हम समझते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट क्यों आया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस आज के समय में इसका महत्व बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन 1938 के पहले क्या था कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय क्या था कि हमारे इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनियाँ नहीं थी। तो 1938 के पहले की जब हम बात करें, तो 1906 में क्या था कि इंग्लैंड में एक कंपनी थी जो सिर्फ समुद्री बीमा से संबंधित अधिनियम बनाई गई थी, जो जिसका काम क्या था कि समुद्र बीमा से संबंधित जो भी बीमाएं की जाएंगी समुद्र से संबंधित या मरीन इंश्योरेंस, तो उससे संबंधित सिर्फ एक ही एक्ट काम करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया कि 1938 में हमारे भारत में भी बीमा कंपनियां स्थापित की गईं और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। और वह एक्ट क्यों बनाया गया ये हम जानते हैं, तो उस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई दिस एक्ट, यह एक्ट क्यों बनाया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक्ट क्यों बनाया जाता है, उसका मुख्य काम क्या होता है, एक्ट का मुख्य काम होता है कि वह किसी भी बीमा कंपनी को रेगुलेट कर सकती थी, वह किसी भी बीमा कंपनी को क्या कर सकती थी, रेगुलेट कर सकती थी और उसका सभी बीमा कंपनियों पर कंट्रोल रहता था। यानी कि बीमा कंपनियों को सही तरीके से रेगुलेट और उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसे हम 1938 इंश्योरेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते थे कि जब यह एक्ट नहीं था, जब यानी कि जब इंश्योरेंस एक्ट 1938 नहीं था, तो उस समय क्या था कि सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने मनमानी तरीके से काम करती थी। वे प्रीमियम का निर्धारण उचित दर पर करती थी, उनका किसी का दबाव उनके ऊपर नहीं रहता था, तो वो अपने मनमानी काम करती थी। इसलिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस एक्ट बनाया जिससे कि सभी बीमा कंपनियों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए और उनको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक्ट में कुल मिला के 120 सेक्शन हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ मेन सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले यानी कि प्रिलिमिनरी हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन, इस एक्ट के अंतर्गत किस किस चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होगा और सारी चीज़ें, इस एक्ट में किन किन खातों को रखने के लिए मैंडेटरी कहा गया है, किस फंड मैनेजमेंट क्या होगा, रूल्स इन्वेस्टमेंट से संबंधित इसके रूल्स क्या होंगे और एक्सपेंडिचर ऑफ मैनेजमेंट के लिमिटेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी यानी कि जो प्राधिकरण होगा उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या होंगे, यानी कि अभी हम आगे देखेंगे इसमें इसके अथॉरिटी में इसके पावर और फंक्शन क्या हैं, प्रोविज़न रिलेटिंग इन इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या होगा, ये इनसे संबंधित प्रोविज़न क्या हैं, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, वाइंडिंग अप इंश्योरेंस कंपनी, किस दशाओं में कंपनी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बीमा कंपनियों को बंद किया जा सकता है, इसको भी हम इस एक्ट के अंतर्गत देखेंगे। ठीक, यानी कि सारी चीज़ें आज हम एक मोटा मोटी कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या है इसमें। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी देखेंगे, ठीक, यानी कि प्रारंभिक चीज़ें इसमें क्या हैं। प्रारंभिक चीज़ों में हम क्या क्या देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है, और इसमें परिभाषाएँ जो दी गई हैं उसे हम प्रिलिमिनरी कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले स्कोप यानी कि क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या होगा। क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी बीमा कंपनियां काम करेंगी,
भारत के अंदर जितनी भी बीमा कंपनी काम करेंगी उसके ऊपर किसका रेगुलेशन होगा, रूल्स और रेगुलेशन किसके लगेंगे, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का। उसके बाद कुछ डिफिनीशंस हैं और वो डिफिनीशंस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशंस हम देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या है, इसे हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में हम डिफाइन करेंगे। ठीक, ये डिफाइन किया गया है इस सेक्शन में। सेक्शन में किस में, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 में, और किस एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट में। ठीक, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, यानी कि किसी भी जीवन बीमा से संबंधित, किसी भी जीवन बीमा से संबंधित हुज बिजनेस रिलेटेड टू अ लाइफ इंश्योरेंस, वी कैन से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यानी कि सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि जो भी संस्था या व्यक्ति किसी भी जीवन से संबंधित बीमा व्यवसाय करेगी उसे हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कहेंगे। अगला क्या हमारा, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी, इसे हम किस सेक्शन में डिफाइन करेंगे, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13A में। जो हमारी इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सेक्शन बनाए गए हैं वो कौन सा सेक्शन होगा हमारा, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13A में ये कहा गया है कि मरीन इंश्योरेंस हम किसे कहते हैं। मरीन इंश्योरेंस वह व्यवसाय होगा कि जो समुद्र बीमा से संबंधित, जो समुद्र बीमा से संबंधित व्यवसाय करे, यानी कि किसी भी जहाज़ पर जो माल लदे हैं यदि उनका कोई इंश्योरेंस किया जाएगा तो वह किस किस कैटेगरी में आएगा, मरीन इंश्योरेंस के कैटेगराइज में। ठीक, तो यानी कि जो भी बीमा कंपनी किसी भी समुद्री बीमा से संबंधित काम करती है तो उसे हम कौन सी बीमा कंपनी कहेंगे, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस। अगला क्या हमारा, अगला हमारा है फायर इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक, यानी कि अग्नि बीमा, ऐसा कोई भी बीमा जो किसी भी आग से जनित कार्यों से बचाव के लिए किया जाता है उसे हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं, यानी कि अग्नि बीमा। जैसे यदि हमारी कोई संपत्ति है, यदि वह अग्नि से नुकसान होने लायक है, यदि उसका हम बीमा कराते हैं, उससे संबंधित जो बीमा कंपनियां करती हैं उसे हम कौन सा बिजनेस कहेंगे, फायर इंश्योरेंस बिजनेस। इसे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6A में दिखाया गया है। ठीक, और अगला क्या हमारा, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि भारतीय बीमा कंपनी। भारतीय बीमा कंपनी क्या है, भारतीय बीमा कंपनी हमारी क्या है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या है, यानी कि भारतीय बीमा कंपनी से आशय उस बीमादाता से है जो कि 1956 के इंडियन इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक, यानी कि जो अभी आगे हम ये वाला सेक्शन देखेंगे या ये वाला एक्ट देखेंगे, कौन सा, इंश्योरेंस एक्ट, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, इंडियन, यानी कि किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी हमारा, कंपनी एक्ट 2000, सॉरी 1956 या उसके बाद के किसी भी एक्ट के अंतर्गत। ठीक, अभी हमने बताया कि इंश्योरेंस एक्ट, उसके पहले हमने बताया कि कुछ और चीज़ें बताई। तो लेकिन जो कंपनी 1956 या उसके बाद की कंपनियां, उसके बाद की कंपनियां मतलब क्या होंगी, उसके बाद की कंपनी मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होगी। ठीक, जो 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वह हमारी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत आएगी। ठीक, जो कंपनियां 1956 या उसके बाद कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी वह इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत आएगी, यानी कि उन इंश्योरेंस कंपनी को हम कंपनी कहेंगे, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कहेंगे जो कंपनी एक्ट 2013 या उसके पहले 1956 के बाद या 2013 के पहले की कंपनियों
एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो और जिसकी चुकता पूंजी में किसी विदेशी कंपनी का 26% से अधिक शेयर ना हो, वे कंपनी हमारी क्या कहलाएंगी? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। अगला क्या है? अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण क्या होता है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1A में बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि अथॉरिटी प्राधिकरण क्या होता है। प्राधिकरण, इसे हम इरडा के नाम से जानते हैं, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1999 के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई थी। इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारी जो इंश्योरेंस एक्ट 1936 है, या सॉरी 1938 है, तो इसका क्या है कि काम धीरे धीरे अब कम हो गया, इसका क्षेत्र कम हो गया। लेकिन जब 1999 के पहले जो ये एक्ट नहीं बनाया गया था, तो उस समय क्या था कि इस जो भी बीमा से संबंधित काम करेगा, यानी कि कोई भी बीमा, चाहे वह अग्नि बीमा इंश्योरेंस या कह सकते हैं कि फायर इंश्योरेंस, सॉरी अग्नि इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या मिसलेनियस इंश्योरेंस, कोई भी बीमा जो कंपनी करेगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे इस इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था। अब इसमें एक चीज़ छूट गया था अभी, ये हमारा क्या था? मिसले अथॉरिटी, यानी कि जो हमारा एडा होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आती है, मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस क्या होगा हमारा? मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस हमारा, इसे हम किस सेक्शन में डिफाइन किए हैं? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13B में। इसी मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस यानी कि इसके अंतर्गत एवव थ्री सेक्शन, एवव थ्री बिजनेस को छोड़कर कौन कौन से? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस और फायर इंश्योरेंस बिजनेस को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस किए जाएंगे वो मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे यदि हम किसी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं या किसी भी मशीनरी का इंश्योरेंस हम करवाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी हमारा इंश्योरेंस होगा उसे हम मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंतर्गत कहेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और आएगा, जैसे यदि कोई नर्तकी है वह अपने पैर का इंश्योरेंस करवाती है, या कोई गायिका है वो अपने गले का इंश्योरेंस करवाती है, वह किस बिजनेस के अंतर्गत आएगा? मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस के अंतर्गत। और उसे हम सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13B के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। अगला क्या है? अगला हमारे इसमें आएगा क्या? इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि जो हमारा बीमा का एजेंट होता है, बीमा अभिकर्ता होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज के समय में हर जगह इंश्योरेंस के जो एजेंट हैं वो मौजूद हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे एजेंट होंगे जो बीमा से संबंधित कार्य करते होंगे। तो इसे किसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है? सेक्शन 42 के अंतर्गत, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत, सेक्शन 42 के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट को बताया गया है। इसे हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्राधिकरण के अंतर्गत रहकर कार्य करता है, या किसी भी बीमा पॉलिसियों को चालू रखने, उसके नवीनीकरण या पुनः प्रवर्तित करने से संबंधित कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं कि याचना के समय जो है पॉलिसी की रकम प्राप्त करते हैं और जमा करते हैं। ठीक, और इन्हें क्या मिलता है? पारिश्रमिक के रूप में कमीशन, और इन्हें कभी कभी बोनस भी मिलता है। ठीक, ये प्रधान अभिकर्ता के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम अगली चीज़ें क्या देखने वाले हैं? इसके आगे हम देखेंगे, अब हमारा दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है? रजिस्ट्रेशन, किसी भी बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत होगा? यानी कि 1938 में जो ये इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया था, इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन किसी भी बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन इरडा के अंतर्गत होगा। इरडा क्या होगा हम देखते हैं। सबसे पहले इरडा, इरडा क्या है? इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ। ठीक, इसके अंतर्गत जो भी बीमा व्यवसाय रजिस्ट्रेशन करवाएगा वही व्यवसाय कर सकता है। कौन सा व्यवसाय? इंश्योरेंस का व्यवसाय कर सकता है। तो
तो इसमें रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या होगा, हो सकता है कि किसी भी बीमा व्यवसाय जो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू की जा रही हो, यानी कि इसका शुरुआत हो, तो सबसे पहले उसका क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। पहली चीज़ तो रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या होगी, न्यू रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी व्यावसायिक संस्था जो कि यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित कार्य कर रही है, उसे हर वर्ष क्या करना होगा, रिन्यूअल कराना होगा क्या, अपने इंश्योरेंस से संबंधित रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र को। ठीक, अब अगली दशाओं में क्या आता है कि उसने या तो वह नया रजिस्ट्रेशन करवाए या अपने पुराने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराए। और तीसरी कंडीशन इसमें आएगी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कि हो सकता है कि उसके रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कोई फॉल्ट आता है तो उसे हम कैंसिल करेंगे। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो हमारे सेक्शन 3 में बताया गया है कि बीमा व्यवसाय का पंजीयन रजिस्ट्रेशन, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो बीमा व्यवसाय होते हैं, जो बिजनेस करते हैं इंश्योरेंस से संबंधित, कभी कभी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब इसमें हम एक एक चीज़ आगे हम देखेंगे। पहला क्या, रजिस्ट्रेशन, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी विशिंग टू डू इंश्योरेंस बिजनेस टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDA, यानी कि IRDA के अंतर्गत जो भी बीमा से संबंधित व्यवसाय करेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो भी इंडिया के अंतर्गत बीमा से संबंधित व्यवसाय करेंगे उनकी कुल शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक, 100 करोड़, यानी कि यदि इससे कम जिसकी पूंजी रहेगी वह बीमा से संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक, अब इससे कम या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 100 करोड़ से कम उसकी कैपिटल पूंजी शेयर कैपिटल रहेगी तो वह रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ होगा। ठीक, अब इस न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या क्या इस एप्लीकेशन को सबमिट करते समय क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी और वह क्या IRDA के पास भेजना पड़ेगा, IRDA के पास क्या क्या चीज़ें भेजना पड़ेंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत आती है कि जो भी बीमा से संबंधित व्यवसाय करेगा उस संचालक का नाम, उसका पता और उसका पेशा और बीमाकर्ता जो होगा वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित संस्था है या नहीं। ठीक, और अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लास और क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस डन और टू बी डन, यानी कि एक प्रस्तावित बीमा व्यापार के प्रकार का विवरण, यानी कि वह लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित बिजनेस तो नहीं कर रही है, मरीन इंश्योरेंस संबंधित बिजनेस नहीं कर रही है, यानी कि उसे इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दर्शाना होगा कि वह किस व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रही है। ठीक, उसकी टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होगी, उसकी वर्किंग कैपिटल। ठीक, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिश्ड प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस क्या होगा, यानी कि जो वह बीमा से संबंधित व्यवसाय करेगी उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके कार्य क्या क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत दिखाया गया रहेगा। द रिसिप्ट शोइंग पेमेंट ऑफ फी, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय जो पेमेंट फीस उसने जो और भी चीज़ें पेमेंट किया है उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी उसकी रिसिप्ट, इसको भी इसमें लाना पड़ेगा। उसके बाद, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन मेड बाय द अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी के द्वारा और भी जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए होंगे उसे रजिस्ट्रेशन के समय IRDA के पास ले जाना पड़ेगा। यदि IRDA क्या करती है, उसे वेरीफाई कर देती है तो वह क्या होगा, रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा। यदि इसके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन
नहीं हो पाएगा या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, अब आती है बात, इसमें अगली चीज़ क्या आती है कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का नवकरण ये किस तरीके से किया जाएगा। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, जो भी बीमा कंपनी व्यवसाय कर रही है बीमा से संबंधित, उसके लिए यदि उसने, जैसे यदि कोई बीमा कंपनी है उसने पिछले साल रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो हर बीमा कंपनी के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसे हर वर्ष अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें कहा क्या गया है कि रिन्यूअल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एवरी इंश्योरर हैज़ टू रिन्यू हिज रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर। द रिन्यूअल फीस विल बी अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस प्रीमियम, यानी कि उसके कुल सकल प्रीमियम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। डायरेक्टली इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले वर्ष भारत के अंतर्गत उसके कुल सकल प्रीमियम जमा के आधार पर क्या होगा, उसे 1/4, 1% का 1/4 प्रीमियम की पूरी राशि का 1% निकाल के उसका 1/4 कर देंगे, उतना राशि रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना होगा। और यह रकम 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, यह रकम 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती या 50,000 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 5 करोड़ और 50,000 के बीच हो सकती है, यानी कि जो हम टोटल ग्रास प्रीमियम का अमाउंट निकालेंगे उसका 1% का जो 1/4 होगा वह 50,000 से कम नहीं होना चाहिए और 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस दशाओं में क्या होगा कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसका रिन्यूअल होगा। अब अगली दशा हम देखते हैं कि क्या होगा, कि हो सकता है कि किन दशाओं में हम कंपनी का जो ये रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा ये कैंसिलेशन होगा। पहली चीज़ आती है कि सबसे पहले पहली चीज़ क्या हम देखेंगे, इफ़ द इंश्योरेंस हैज़ नॉट कंप्लीटेड विद द स्टेट्यूटरी रूल्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट, यानी कि जमा से संबंधित जो होगी, बीमा दाता ने निक्षेप संबंधी दशाओं को क्या किया, उसने नियमों का पालन नहीं किया है, यानी कि जो कंपनी ने जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन के समय उसे कुछ डिपॉजिट करना होगा। यदि ऐसी दशा में क्या होगा, उसने डिपॉजिट नहीं किया है, तो क्या होगा कि उसका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, यानी कि उसके रजिस्ट्रेशन का रद्दीकरण कर दिया जाएगा। ठीक, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और आती है, दूसरी चीज़ क्या है कि इफ़ द इंश्योरेंस इज लिक्विडेशन और इज एडजस्टेड एंड इंसॉल्वेंट, यानी कि दूसरी चीज़ आती है कि यदि जो बीमादाता है वह दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक, या उसके कारोबार का समापन हो जाए, यानी कि जो इंश्योरर है वह इंसॉल्वेंट हो जाए और वह किसी, उसके कारोबार का समापन हो रहा है। ठीक, अगली चीज़ क्या आती है, इफ़ द बिजनेस और अ क्लास ऑफ द बिजनेस ऑफ द इंश्योरर हैज़ बीन ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति बीमा से संबंधित कार्य कर रहा था यदि वह अपने व्यवसाय को किसी अन्य थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि उसके व्यवसाय, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वह रद्द कर दिया जाएगा और जो व्यक्ति उस व्यवसाय को ग्रहण करेगा उसके लिए फिर से उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इफ़ द केस ऑफ एन इंश्योरर स्पेसिफाइड इन सब क्लास सी ऑफ क्लास 9 सेक्शन 2, सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लास 9 के सब सेक्शन सी के अंतर्गत कहा गया है कि यदि किसी भी स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड टू इन द दैट सब क्लास इन द कैंसिल्ड और इज सस्पेंडेड एंड एनी कंटिन्यूज टू बी सस्पेंडेड ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि कोई भी ऐसा व्यवसाय, बीमा से संबंधित व्यवसाय जिसे सस्पेंड कर दिया गया लेकिन वह फिर भी 6 महीने के बाद तक वह अपना व्यवसाय कर रही है, तो उस समय क्या होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
इफ द इंश्योरेंस कैरीज और एनी बिजनेस अदर देन इंश्योरेंस बिजनेस और एनी प्रिस्क्राइब्ड बिजनेस, यानी कि वह यदि बीमा व्यवसाय से संबंधित कोई अन्य व्यवसाय भी कर रहा है, सिमिलर व्यवसाय कर रहा है, तो उस दशा में क्या होगा कि उसके रजिस्ट्रेशन का रद्दीकरण कर दिया जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन होगा वह किन किन दशाओं में होगा। तो हमने तीन चीज़ें देख ली। पहला क्या था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या था कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीसरा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमने तीन चीज़ों को देखा। इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रीलिमिनरी के अंतर्गत हमने देखा कि उसका स्कोप क्या, यानी कि क्षेत्र क्या है इंश्योरेंस एक्ट का, और उसके डिफिनेशंस, कुछ डिफिनेशंस हमने कवर किए थे उसके अंतर्गत। डिफिनेशंस में हमने क्या क्या देखा था, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था मरीन इंश्योरेंस बिजनेस, तीसरा फायर इंश्योरेंस बिजनेस, और चौथा क्या था, मिसलेनियस, यानी कि मिसलेनियस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी वो भी हमने बता दिया था। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद अब हम अगली चीज़ देखेंगे। क्या अगली चीज़ हमारा क्या होगा, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारे खाते और विवरण क्या क्या होंगे, यानी कि जो हमारे इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत बताया गया है कि हमें कौन कौन से खाते और स्टेटमेंट रखना अनिवार्य है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग दिस एक्ट एवरी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट कंपलसरी टू कीप दिस रजिस्टर्ड, रजिस्टर कौन कौन सा रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, ये किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया, सेक्शन 14 के अंतर्गत, यानी कि सभी बीमा से संबंधित व्यवसाय को कहा गया है कि वे अपने व्यवसाय के अंतर्गत तीन चीज़ों के रजिस्टर को रखना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। पहला क्या है, रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, रजिस्टर ऑफ क्लेम, रजिस्टर ऑफ एजेंट्स। रजिस्टर ऑफ पॉलिसीज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि जब हम बीमा कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। हम क्या करते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी ले लिए हैं, 20 लाख की पॉलिसी लिए हैं, उसके टाइम ड्यूरेशन के आधार पर 5 साल के लिए हमने पॉलिसी ले रखी है, यानी कि इसके आधार पर जो भी रजिस्टर बनाया जाएगा उसे हम पॉलिसी से रिलेटेड, उसे हम पॉलिसी ऑफ रजिस्टर ऑफ पॉलिसी के अंतर्गत लिखेंगे। दूसरा क्या, रजिस्टर ऑफ क्लेम, यानी कि क्या होता है कि जैसे यदि हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस दशाओं में क्या होता है कि जब उस इंश्योरेंस का टाइम पीरियड समाप्त होता है तो क्या होता है कि क्लेम आता है कि अब आपका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हुआ और आप पेमेंट करिए, तो उस दशाओं में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत यदि रजिस्टर रखा गया होता है तो कितनों को अभी क्लेम कर दिया गया है, किसको अभी बाकी है, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो रजिस्टर बनाया जाएगा उसे हम रजिस्टर ऑफ क्लेम के नाम से जानेंगे। तीसरा चीज़ क्या है, अभिकर्ताओं का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ एजेंट, यानी कि बीमा इंश्योरेंस बिजनेस के अंतर्गत जितने भी एजेंट काम करेंगे, हो सकता है कि 10,000 इंश्योरेंस एजेंट काम करें, बीमा अभिकर्ता काम करें 20,000, तो उन सारे व्यक्तियों के नाम पता और सारी चीज़ें, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है और सारी चीज़ों के लिए जो रजिस्टर रखे जाएंगे उसे हम रजिस्टर ऑफ एजेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक, यानी कि एजेंट से संबंधित जो भी रजिस्टर होगा इन, तो उनके नाम को कहाँ लिखेंगे, इस रजिस्टर के अंतर्गत जो तीसरा रजिस्टर हम रखेंगे, तो इन तीनों रजिस्टर को रखना अनिवार्य किया गया है। अगली चीज़ क्या आती है इसमें, अगली चीज़ हमारी आती है कि हम इसके अंतर्गत अगला क्या है कि स्टेटमेंट क्या क्या रखेंगे और खाते क्या क्या रखेंगे। दूसरी चीज़, पहले तो हमने देखा कि हमें तीन रजिस्टर को रखना अनिवार्य कर दिया गया, कौन कौन सा, रजिस्टर ऑफ पॉलिसी, रजिस्टर ऑफ क्लेम्स, रजिस्टर ऑफ एजेंट्स। अब तीसरी चीज़ आती है कि कौन कौन से खाते रखना अनिवार्य किया गया है। सबसे पहले क्या था कि कंपनी जो बीमा से संबंधित कंपनी होंगी उनके लिए क्या क्या अनिवार्य किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या है, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना अनिवार्य किया गया, क्योंकि उन्हें एक टाइम पीरियड के अंतर्गत ये पता चल सके कि उनका इंश्योरेंस जो बिजनेस चल रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है या फिर ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हम अकाउंट क्यों बनाएंगे,
इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत कितने एक्सपेंसेज हुए हैं एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत। जब हम खाते बनाते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के बनाते हैं, और बैलेंस शीट का काम क्या होता है कि ये उसकी स्थिति विवरण को दर्शाती है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है या फिर हमारी कंपनी अब डूबने के कगार पे है, या फिर पिछले वर्ष के आधार पर बैलेंस शीट को कंपेयर करके वो अपने व्यवसाय के एनालिसिस करेंगे। ठीक, एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ें। तो अगली चीज़ इसमें क्या आएगी, इसे बैलेंस शीट को कहाँ दिखाया गया है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल में बैलेंस शीट को बनाना अनिवार्य किया गया है। ठीक, यानी कि कंपनी एक्ट ना ओ सॉरी नाइन इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत उसके पार्ट वन के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसमें आती है पार्ट टू के फर्स्ट शेड्यूल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना अनिवार्य किया गया है। तीसरी चीज़ आती है कि फर्स्ट शेड्यूल के थर्ड पार्ट में यानी कि पार्ट थर्ड के फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना अनिवार्य किया गया है। जो बीमा कंपनियां इन खातों को नहीं बनाती हैं उनके लिए कुछ अलग से पेनाल्टी का निर्धारण किया गया है, यानी कि उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो क्या करेंगी कि उन्हें ये खातों को रखना अनिवार्य कर दिया गया। पहला क्या है कि पार्ट फर्स्ट के शेड्यूल फर्स्ट में के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फर्स्ट के शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत बैलेंस शीट को, पार्ट फर्स्ट के पार्ट टू के फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और कंपनी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत पार्ट थर्ड के अंतर्गत फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि कंपनी को बीमा से संबंधित कंपनी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना अनिवार्य है। ठीक, अब अगली चीज़ हम क्या देखेंगे इसमें कि किसी भी जो बीमा से संबंधित कंपनियां होती हैं, जो बीमा कंपनियां होती हैं, जो बीमा करती हैं कंपनियां, उनको अपने व्यवसाय का ऑडिटिंग यानी कि उसका अंकेक्षण वर्ष के अंत में कराना अनिवार्य है। और ये कहा कहा गया है कि सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 किसके सेक्शन 12 में, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 12 के अंतर्गत कहा गया है कि सभी बीमा से संबंधित व्यवसाय को अपने व्यवसाय की पुस्तकों को यानी कि अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी पुस्तकें रखी गई हैं उसकी वित्तीय स्थिति को चेक किया जाएगा और खातों का मिलान किया जाएगा। किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा। और इसके लिए क्या होगा कि उस खातों का ऑडिटिंग करवाया जाना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक, किस सेक्शन में, सेक्शन 12 के अंतर्गत। अगली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आती है कि अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट के अंतर्गत अगला टॉपिक था इसमें रिपोर्ट्स, यानी कि जब कंपनी क्या करती है कि वह अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेक करके ऑडिटिंग करवा लेती है तो क्या होता है कि उसे एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, वह रिपोर्ट उसे पब्लिश करना होता है। और उस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको क्या क्या करना होता है इस रिपोर्ट को, 4 कॉपीज ऑफ द कंपनी एनुअल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स आर रेफर टू अथॉरिटी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। ये सेक्शन 15 के अंतर्गत कहा गया है कि अथॉरिटी के पास, इरेडा के पास प्रत्येक 6 महीने के अंतर्गत अपने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को यानी कि वर्ष के अंत में अपने कंपनी से संबंधित इस एनुअल रिपोर्ट को क्या करना होगा कि उसकी 4 कॉपी प्राधिकरण को पहुंचाना होगा 6 महीने के अंदर। ठीक, एनुअल रिपोर्ट को। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, दूसरी चीज़ इसमें क्या कही गई है कि किसी भी ट्रांसफ़र टू द अथॉरिटी अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, यानी कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत उसे जो जनरल मीटिंग के अंतर्गत जो मिनट की कॉपी होगी उसे क्या होगा कि 30 दिन के अंतर्गत अथॉरिटी को पहुंचानी होगी यानी कि प्राधिकरण के पास पहुंचाना होगा। ये कहाँ क्या कहा गया है, सेक्शन 19 के अंतर्गत कि किसी भी बीमा व्यवसाय से संबंधित कार्य करने वाली संस्था को उसके सामान्य मीटिंग के अंतर्गत जो मिनट्स की कॉपी होगी सर्टिफाइड कॉपी
उसे क्या करना होगा, अथॉरिटी के पास पहुंचानी होगी। अब सेक्शन 18 के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस स्टेटस, उसके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का रिपोर्ट की कॉपी कहाँ पहुँचानी होगी, सेंड टू द अथॉरिटी व्हेन प्रेजेंटेड टू द मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस के जो मेंबर होंगे, बीमा से संबंधित व्यवसाय के जो मेंबर होंगे, उसे क्या होगा कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट पहुँचानी होगी। ठीक, अगला क्या है, क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स शुड बी सेंड टू द अथॉरिटी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मेड अंडर सेक्शन 27B, यानी कि सेक्शन 28B के अंतर्गत ये कहा गया है कि त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट अथॉरिटी के पास किसी भी किसको भेजना पड़ेगा, प्राधिकरण को। ठीक, निवेश के संबंध में किए गए जो रिपोर्ट होगी उसे कहाँ भेजना होगा, अथॉरिटी के पास। ठीक, अब हमने क्या क्या इसमें देख लिया, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा कि इसके अंतर्गत तीन रजिस्टर को रखना अनिवार्य कर दिया गया था। पहला रजिस्टर हमारा था कि किसी भी जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी से रिलेटेड हमारे क्या होंगे रजिस्टर, उनको रखा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या थी, दावों क्लेम का रजिस्टर होगा। तीसरा, एजेंट का रजिस्टर। दूसरा, इसमें अगली चीज़ क्या आती है, उसमें दूसरी चीज़ हमने बताया था कि किसी भी इंश्योरेंस से संबंधित जो भी कंपनी कार्य करती है उसको लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। किस सेक्शन के अंतर्गत, उसको सेक्शन 12 के अंतर्गत कहा गया है कि सभी खातों की ऑडिटिंग कराना अनिवार्य हो गया है। ठीक, अब अगली चीज़ आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें उसको रिपोर्ट के रूप में प्राधिकरण को देना पड़ेगा। ठीक, तो अगली चीज़ इसमें क्या आएगी, अगली चीज़ हमारा होगा इसमें, अगली चीज़ हम कवर करेंगे इसमें कि फ़ंड मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक, अगली चीज़ जब हम कवर करेंगे अगले पार्ट में, फ़ंड मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर ये चीज़ आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। अगर आप इसको बार बार स्किप करके देखते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप इसको कंटिन्यू देखिए। और अगर एक बार नहीं समझ में आता तो अगली बार देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।